रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने ब्लैक सी अनाज डील तोड़ दी है और इसी वजह से यूक्रेन से अन्य देशों को जो अनाज निर्यात होता था उस पर ब्रेक लग गया है और रूस ने धमकी दी है कि अब वो ब्लैक सी के जरिए अनाज ले जाने वाले जहाजों को नहीं बख्शेगा। और इसी कड़ी में रूस ने यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह पर कई मिसाइलों से हमला भी किया था। हालांकि यूक्रेन ने यह ठान लिया है कि वो रूस के बिना अब ब्लैक सी से अनाज का निर्यात करेगा। अब इसी कड़ी में डेन्यूबे नदी के जरिए 6 कार्गो जहाज यूक्रेन से अनाज ले जाने के लिए ब्लैक सी में पहुंच चुके हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये अनाज यूक्रेन के इज्मेल बंदरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे में इन जहाजों के ऊपर रूसी मिसाइल हमलों का खतरा बढ़ गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 17 जुलाई 2023 को क्रीमिया ब्रिज पर एक ड्रोन अटैक हुआ था जिसके बाद रूस ने ब्लैक सी अनाज सौदे को खत्म कर दिया था और अनाज डील टूटने के बाद से डेन्यूब नदी के बंदरगाह का महत्व बढ़ गया है क्योंकि यूक्रेन इस रास्ते को एक वैकल्पिक रास्ता मान रहा है और इस पर बना बंदरगाह दक्षिण पश्चिम में करीब 209 किलोमीटर दूर है। और दूसरी बात यह है कि रूस पहले ही ओडेशा मिसाइल हमलों में यूक्रेन का करीब 60,000 टन अनाज बर्बाद कर चुका है। इन हमलों में बंदरगाह पर अनाज रखने वाले भंडारण को भी ध्वस्त किया गया है और 24 जुलाई 2023 को डेन्यूब नदी पर यूक्रेन की तरफ बने रैनी बंदरगाह पर भी रूस ने ड्रोन हमला किया था और ये हमला रोमानिया की सरहद से सिर्फ आधा मील दूर हुआ था। लेकिन इन हमलों के बावजूद अब अनाज ले जाने वाले जहाज धीरे धीरे ब्लैक सी में यूक्रेन की तरफ चल पड़े हैं और 30 जुलाई 2023 को इसराइल का AMS-1 जहाज और 2 अन्य जहाज ब्लैक सी को पार करते हुए यूक्रेन के बंदरगाह पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब ये जहाज ब्लैक सी से होकर गुजर रहे थे तो अमेरिका और नेटो के कई जंगी जहाज और ड्रोन आसमान में इनकी निगरानी के लिए उड़ान भर रहे थे ताकि किसी भी संभावित हमले से उन जहाजों को बचाया जा सके। और इस सुरक्षा अगुवानी में अमेरिका के करीब 3 फाइटर जेट और नेटो के 3 लड़ाकू जहाज थे। लेकिन यहां पर एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर रूस ने इन जहाजों पर ब्लैक सी में हमला क्यों नहीं किया। तो आपको बता दें कि यूक्रेन ने इन जहाजों के लिए पश्चिमी बंदरगाहों का उपयोग किया है जो नेटो देशों की डेन्यूब नदी के ठीक उस पार स्थित है और यह इलाका नेटो देशों की सीमा में भी आता है। और अगर रूस को इन जहाजों पर हमला करना होगा तो उसे इन जहाजों पर सामान्य लेन से दूर टारगेट करना होगा जो उत्तर की ओर क्रीमिया प्रायद्वीप से होते हुए ओडेशा तक जाती है। लेकिन एक बार जब ये जहाज रोमानिया के करीब पहुंच जाते हैं तो वे नेटो के कंट्रोल एरिया में आ जाते हैं और ऐसे हालात में अगर रूस इन जहाजों पर हमला करने की जरूरत करता है तो वो सीधे नेटो पर हमला माना जाएगा।